हरियाणा के पानीपत की रहने वाली हरियाणवी कलाकार आशु राणा को जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस में दर्ज केस के मुताबिक आशु राणा को 15 से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसे पूरा न करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। साथ ही आशु राणा का आरोप है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, उसने इंस्टाग्राम पे फेक अकाउंट बनाकर पब्लिकली अश्लील कमेंट किए हैं। आशु राणा ने बताया कि 6 मई को जब उसने धमकी और अश्लील कमेंट डाले, तब इसकी जानकारी 7 मई को थाने में दी गई थी, जिस पर पुलिस ने 50 दिन बाद ध्यान दिया है। सर, इंडस्ट्री में तो मैं 10 से 11 साल हो गए मेरे को इंडस्ट्री में, अपना करियर मैंने यहीं पे शुरुआत किया है हरियाणा से। और जो ये मामला है, ये मामला सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया की जैसे कि आप इंस्टाग्राम जानते हो, पेज है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो मेरा जो मामला है वो इंस्टाग्राम आईडी का है। मुझे नहीं पता, मैं नाम तो नहीं ले सकती क्योंकि जानती नहीं उसको, वो फैन है या कोई दुश्मन है क्या है, जबकि मेरी इस धरती पे मुझे नहीं लगता कि मेरी किससे दुश्मनी है, और इस इंडस्ट्री में तो मेरी बिल्कुल भी किससे दुश्मनी नहीं है, सबसे साथ मेरा भाईचारा है। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे ब्लैकमेल किया गया है और मेरे को धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरे को असलियत कहते हैं कि वो चीप लैंग्वेज यूज की जा रही है बहुत ज़्यादा, जबकि आप मेरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरा पूरा हरियाणा क्या है मुझे सभी जानते हैं कि भाई मैं हरियाणा की एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट रही हूँ। हरियाणा में मैंने अपने बहुत अच्छे कम से कम 10-15 मैंने इतने हिट सॉन्ग दिए हैं, और जिनकी जो सॉन्ग मेरे मिलियंस क्रॉस में है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मैंने लड्डो सॉन्ग किया मासूम शर्मा जी का, वो खुद मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें सम्मानित किया हुआ है, मेरे जो सिंगर थे उनको। और मेरा भी लेटेस्ट बहुत सारे सॉन्ग आए, सॉन्ग को तो मुझे सॉन्ग के पर्पज़ पे तो क्या बात करनी है, क्योंकि ये सॉन्ग का मुद्दा नहीं है, ये एक सोशल मीडिया का मुद्दा है, जो कि एक लड़की को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, उसको धमकी दे के जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जो कि मैं बैठी हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ से डरी नहीं, मैं इस चीज़ से डरी नहीं, उसने सोचा कि शायद मैं धमकी दे दूंगा या कुछ बोलूंगा या वो डर जाएगी, तब मैंने ये चीज़ देखी, तब थोड़ा मुझे घबराहट हुई, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हुआ तो मेरे अंदर थोड़ी सी टेंशन सी होगी। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, आज डरेगी तो कल दूसरा डराएगा, फिर डरेगी तो फिर डराएगा कोई, ऐसे कब तक डरेगी, और जबकि तरह ये फर्स्ट है, डरना नहीं है, अपने हक के लिए खड़ी हो, लड़, जहाँ तक होगा वहाँ तक लड़। तो ऐसे ही मेरे को ये धमकियाँ मिली थी 7 तारीख को, 7 को, 8 को मैंने अपनी थाने में रिपोर्ट दे दी थी। थाने में मेरी ये रिपोर्ट खुली है अब जाके, यानी कि कल या परसों, तो देखती हूँ, आशा करती हूँ कि शायद ये केस जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए, और मुझे वो शख्स जल्दी से जल्दी चाहिए, चाहिए तो चाहिए। उसने मुझे धमकी, मुझे नहीं पता कौन है कौन है, लेकिन उसने इंस्टाग्राम पे एक पर्सनल अकाउंट होता है ना, कि पर्सनल मैसेज होता है, उसने वहाँ पे मुझे धमकी नहीं दी, उसने मुझे धमकी दी है पब्लिक कमेंट में, जो पब्लिक कमेंट करते हैं, जैसे कि मैं नॉर्मल का पब्लिक को थैंक यू बोलती हूँ, तो मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि यार तेरी इंस्टाग्राम पे बहुत अश्लील बातें लिखी हुई है और तेरे को बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज यूज कर रखी है, तू कहाँ है। मैंने कहा मेरे हाथ में ही है फ़ोन, तो क्योंकि मैं वीडियो और फोटो डालती तो कमेंट पे जल्दी से ध्यान नहीं देती, मैं सोचती हूँ यार फैन है, फैन नहीं है, मेरी फैमिली है वो, जिनकी बदौलत मैं बैठी हूँ सर यहाँ पे। इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल भी की थी? हाँ जी, इंस्टाग्राम पे उन्होंने मेरे को बोला मैं तेरे को कॉल करूँ, मैंने कहा, पहले तो मैंने कहा क्यों, तो उसने कहा क्यों डर गई, मैंने कहा ये तो हैवी हो रहा है, मैंने कहा ऐसे कैसे, मैंने कहा तू वीडियो कॉल कर, मेरे को लगा उसका फेस दिखेगा, लेकिन बंदा इतना साथ ही लगा, उसने वीडियो कॉलिंग पर फेस नहीं दिखाया। फिर उसने वीडियो कॉलिंग काट के मुझे वीडियो कॉलिंग पर वो धमकी दी, मुझसे पैसे मांगे, और पैसे मैंने कहा किस चीज़ के पैसे, तेरे को जो करना है तू कर ले। सर बोला था मेरे को कि मुझे 15-20 लाख रुपये दे, तो मैंने कहा पैसे किस चीज़ के, मुझे ये तो बता, और मैंने कहा तू ये कमेंट में लिख, तो कहता क्यों मुझे पागल समझा, बंदा पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती सर, लेकिन मैं चाहती हूँ, मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है अपने सरकार से, अपनी मीडिया से, अपने कर्मचारियों से, कि मुझे जल्दी से जल्दी वो शख्स चाहिए। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया है कि आप टेंशन ना लो, आप मैं जैसे कि आज गई थी तो उन्होंने मुझे आज बोला कि 1-2 दिन दो आप हमें, 1-2 दिन के अंदर आपका ये सोल्व हो जाएगा सर, आप टेंशन मत लो, जरूर बताऊंगी नेक्स्ट बार इसी न्यूज़ पे आप लोगों को, जिस दिन मेरा ये फाइनल केस होगा उस दिन जरूर लाइव आऊंगी और फिर बताऊंगी कि वो सब। हाँ, इस विषय में FIR की है थाना ओल्ड इंडस्ट्री में, उसने कंप्लेंट आई थी कि कोई उसको अश्लील मैसेज भेज रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो वो FIR दर्ज कर लिए और इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहे हैं, जो भी फैक्ट आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की। आशु राणा नाम की सिंगर है और यही हमारे ओल्ड के इलाके में रहती है, तो उसने ये आरोप लगाए तो FIR की। पैसे की मांग, पैसे वाली बात अभी नहीं आई है, अभी अश्लील मैसेज भेजना और धमकी देने की बात आई है।
7 मई को थाने में कंप्लेन दी थी, लेकिन आज मुकदमा दर्ज हुआ कल, तो इतना लेट? देखिए, वो जांच हो रही थी, जांच में जो पाया उसके आधार पर।